अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहु। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मुकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। दो शख्सों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो है कि जो सर्द रात में अपने बिस्तर और लहाफ से उठकर वजू करता है और नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पर किस चीज़ ने उभारा है? फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरी रहमत का उम्मीदवार है। खबरों के आवाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का निज़ामाबाद दौरा, हल्दी बोर्ड को दीगर तरक्याती कामों का बजरिया रिमोट आवास जलसे आम से किया खिताब। बीआरएस और गठबंधन मीडिया पर तनकीदें। इलाज और अदिया ना मिलने से नांदेड़ के सरकारी दवाखाने महज 48 घंटों में 32 अफराद की मौत, सनसनी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का निज़ामाबाद दौरा, पुलिस की जानिब से सख्त सियारती इंतजाम, शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस टुकड़ियां तैनात। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तबील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद तेलंगाना की आवाम का ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना पर खानदानी हुक्मरानी, आला अहदों पर केसीआर के अफराद खानदान फायज। जलसे आम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। निजामाबाद में तेलंगाना बीजेपी पार्टी की क्यादत में मुनक्किद किए गए प्रजा गृजना जलसे में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। नए कलेक्ट्रेट हेलीपैड के इलाके में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। इस मौके पर वजीर आजम मोदी को रियासती गवर्नर तमिल साई, मरकजी वजीर रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी, एमपी अरविंद, बीजेपी काउंसिल मेंबर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इनका पृथ्वीपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8000 करोड़ के तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इसके बाद जलसे आम से खिताब के लिए पहुंचने नरेंद्र मोदी की हजारों हुजूम के दरमियान गुलपोशी व शालपोशी की गई, फूल बरसाए गए, जय जय की आवाजें गूंजने लगी। इस मौके पर एमपी अरविंद ने हुजूम के दरमियान हल्दी का हार पहनाते हुए मोमेंटो पेश किया। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के जरिए तेलंगाना ने एक मिसाल कायम की। हजारों की कुर्बानियों से तेलंगाना हासिल हुआ, लेकिन इसका फल सिर्फ केसीआर खानदान को मिला। इस मौके पर सिर्फ केसीआर खानदान ही मुस्तफिद हो रहा है। अलायदा तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर, इनकी बेटी, इनके भांजे, इनका बेटा फायदा हासिल करते हुए मालदारों में शामिल हो गए। तेलंगाना में सीएम केसीआर खानदान ने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। जीएचएमसी इंतखाबात के बाद केसीआर ने दिल्ली में आकर हमारे ताऊ की अपील की और एनडीए में शामिल कर लेने की ख्वाहिश की, जिसका हमने साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा वो अपने बेटे को सीएम की कुर्सी पर बिठाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर हमने सवाल किया, तुम किसी राजा खानदान के हो जो सीएम की कुर्सी विरासत में मिली है, जो अपने बेटे को बिठाना चाहते हो? तब से अब तक सीएम केसीआर हमसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को मुसलमानों के हवाले करने की कोशिश कर रही है। इस बात को लेकर अवाम पूरी तरह कमर बस्ता होना चाहिए, खानदानी हुकूमत का खात्मा करना चाहिए। और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है।
बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना, ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया, ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दो, सच बता दो, बता दो, बता दो भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना, शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई, 48। किसी को बहुमत नहीं मिला, केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट पे पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक बंद हो गए? अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। भले तेलंगाना की जनता ने हैदराबाद में हमें पूर्ण बहुमत नहीं दिया, लेकिन 48 सीट भी तेलंगाना का भाग्य बदलने की शुरुआत है। और मैंने उनसे हर प्रकार से मदद करने का इनकार कर दिया, उनको एनडीए में एंट्री देने से इनकार कर दिया। उसके बाद
उनका दिमाग फटका, फिर तो वो भांति भांति से दूर भागने रहे। मैं भ्रष्टाचार के सवाल पूछने लगा, फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं, मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगद्दी दे, तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था, उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिले में आमद पर पुलिस सियानती इंतजाम NSG की निगरानी में पुरअमन प्रोग्राम कामयाब। मल्टी जोन IG चंद्रशेखर रेड्डी CP सत्यनारायण की क्यादत में कामयाब इंतजाम, पुलिस डिपार्टमेंट ने राहत की सांस ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिले में आमद पर पुलिस सियानती हिफाजती इंतजाम अमल में लाए गए। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ दीगर शोबों के साथ इंतजाम अमल में लाए गए। कंटेश्वर बाईपास रोड से खानापुर बाईपास रोड तक खदम खदम पर पुलिस पहरा देखा गया। इस जानब जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से छानबीन की गई। मल्टी जोन IG चंद्रशेखर रेड्डी CP सत्यनारायण ने बंदोबस्त का मुकम्मल जायजा लेते रहे। बाईपास रोड पर किसी भी गाड़ी को रोकने की इजाजत नहीं दी गई। इस मौके पर जलसे में शिरकत करने वाले कायदीन VVIP को खसूसी पास इजरा करते हुए अंदर जाने की इजाजत दी गई। माँ बाकी अवाम को दूसरे गेट से तनखी के जरिए अंदर भेजा गया। इस मौके पर मीटर डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक आला डॉग स्क्वाड के जरिए तनखी अमल में लाते हुए कदम कदम पर छानबीन अमल में लाई गई। कंटेश्वर से खानापुर बाईपास तक तमाम रास्तों पर पुलिस को तैनात किया गया ताकि जलसे के मौके पर कोई अनहोनी ना होने के लिए NSG पुलिस अहदेदारों की निगरानी में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम को पुरअमन तरीके से इख्तिताम पर पुलिस डिपार्टमेंट ने राहत की सांस ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिले में आमद के मौके पर रियासती गवर्नर तमिलसाई ने वजीर आजम का पृथ्वीपाक इस्तकबाल किया। तमिलसाई सौंदर्य नटराजन को पहले R&B गेस्ट हाउस में पुलिस सलामी पेश की गई। जिला मुस्तफर में तेलंगाना रियासत गवर्नर तमिलसाई सौंदर्य नटराजन ने R&B गेस्ट हाउस में आमद पर इनका पृथ्वीपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने सबसे पहले पुलिस सलामी कबूल की। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी सदर BNJ सोसाइटी कारकुनान T. शेखर मुरली शंकर ने गवर्नर तमिलसाई से मुलाकात करते हुए इन्हें गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत दी गई। गवर्नर तमिलसाई का निजामाबाद के आमद के मौके पर RDO विनीत कुमार ने अपनी निगरानी में R&B गेस्ट हाउस के तमाम इंतजाम को अमल में लाया। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे आम में शिरकत की। नांदेड़ सरकारी दवाखाने में गुज़िश्ता 48 घंटों में 32 अफराद की मौत, दर्दनाक वाकया। वक्त पर अद्वियात और इलाज न मिलने से मौत होने का मरने वालों के अफराद खानदान का इल्जाम। UP की तरह इलाज न मिलने से अमवात का वाकया रोकने में महाराष्ट्र के ट्रिपल इंजन सरकार पूरी तरह नाकाम। मरीजों के अफराद खानदान में खौफ। रियासत महाराष्ट्र नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल में अमवात का सिलसिला जारी, जहां एक दिन में 24 अफराद की मौत हुई, वहीं अभी तादाद बढ़कर 48 घंटों में 31 तक पहुंच गई। पीर की रात 7 मरीजों की मौत हो गई।
जिनमें 4 बच्चे भी शामिल। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 48 घंटों में इस हॉस्पिटल में फौत होने वालों 16 बच्चे शामिल। ताहाल अमवात की वजूहात का सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हॉस्पिटल के ज़राए का कहना है कि इनमें से ज्यादातर अमवात सांप के डसने और दीगर अमराज की वजह से हुई। इसी दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इन अमवात को अफसोसनाक करार दिया। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हॉस्पिटल से मालूमात हासिल की जाए और जरूरी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन हुकूमत को इस वाकई के लिए जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। नांदेड़ सरकारी दवाखाने में गुज़िश्ता 48 घंटों में 32 अमवात पर सारे नांदेड़ में सनसनी फैली और दवाखाने में भर्ती मरीजों के रिश्तेदार खौफ में देखे। मरने वालों की लवाहिकीन ने इलाज वक्त पर ना मिलने और लापरवाही का इल्जाम लगाया, जबकि ये बात भी गश्त कर रही कि जो एजेंसी सरकारी दवाखाने नांदेड़ को दवाइयां सप्लाई करती है, इसने अद्वियात की सप्लाई रोकी, जिसकी वजह शदीद अमराज का शिकार मरीजों को वक्त पर अद्वियात की फ्राहमी ना होने से इतना बड़ा सानहा पेश आया। इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो गैर जानिबदाराना तहकीकात से सामने आ जाएगा। लेकिन ट्रिपल इंजन की महाराष्ट्र सरकार यूपी तर्ज का इलाज ना मिलने का वाकया महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेश आने से रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। भी उड़ रहा उसका, पर वो डॉक्टर देख रहे थे उसको। कब आए यहाँ पर डिलीवरी? हम डिलीवरी जिंदूर में हुई थी। अच्छा, यहाँ पे अभी 4 दिन हुए आके। अच्छा, तो वो देख रहे थे बराबर बच्चे को, इलाज ठीक से नहीं हो रहा इलाज। हाँ, और वो बोल रहे कि यहाँ कम वो होया बोल रहे हो। कब कब हुआ बोल रहे हैं? हाँ। इन्फेक्शन हुआ ऐसा बोल रहे हो। अच्छा, पर देख रहे नहीं बच्चों को कुछ भी, क्या करें। ससुराल है, हम मिलने को आए थे तो डिलीवरी यहीं हो गई। अपना ये क्या बोलते हैं, बेंगलोर नाके के पास पानी का दवाखाना है नहीं। अच्छा। वहाँ पर डिलीवरी हुई तो वहाँ से हम बच्चे को उन्होंने कांच में रखने को बोले तो हम मशीन में यहाँ डाले। अच्छा। तो अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, 25-26 घंटे हो गए बच्चे को। अच्छा। तो बच्चे को अभी कुछ प्रॉब्लम बता रहे नहीं वो हमारे को क्या है। अच्छा। या बच्चा नॉर्मल है कि क्या है। अच्छा। या बच्चा नॉर्मल हो गया क्या, उन्हें अब छुट्टी कब देते वो कुछ बोल रहे नहीं हमारे। और हमको अंदर भी नहीं अंदर है, लेडीज़ को सिर्फ लेडीज़ को, एक लेडीज़ को अंदर अंदर है, जेंट्स को अंदर आके बात भी नहीं कर अंदर है। क्या बात करने को गए तो अकाल के दे रहे अंदर। दवाई वगैरह फिर यहाँ से है ना, सब मिल रहे नहीं, दवाई वगैरह सब बाहर। मुसलमान कभी हालात का शिकवा ना करे, चूंकि वो तो आना यकीनी है, ख्वाह दुनिया में हो के या मरने के बाद। मुतकलिम इस्लाम वकील अनायफ़ मौलाना इलियास गायमन से हरम में मुलाकात। गुज़िश्ता जुमे शहर निज़ामाबाद के मौक़िर उलमाए किराम सफ़र उम्रे पर रवाना हुई। काफिले में मौलाना अरशद अली कासमी, मुफ्ती मुबीन कासमी, हाफिज़ खलील के अलावा अतीक़ुर रहमान, मालिक ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल शामिल थे। मंगल के रोज़ बाद नमाज़े फज्र अपने मामूलात से फरागत के बाद सहन हरम में मुतकल्लिम इस्लाम वकील अहनाफ मौलाना इलियास गहमन से मुलाकात रही। इस मौके पर मौलाना ने कीमती नसीहतें फरमाई, जिसको नफ़े आमा की खातिर जब्त तहरीर किया हो अल्लाह पाक तौफीक अमले नसीब फरमाए। फरमाया कि हालात तो हर मोमिन पर आने यकीनी है, चूँकि वो ईमान वाला है। अगर हालात आना ना होते तो अल्लाह के नबी पर मसाइब के पहाड़ ना टूटते, जिससे मालूम होता है कि अगर इस्लाम वाला है तो बंदे पर हालात का आना यकीनी है। अब अगर इस्लाम की वजह से दुनिया में आ जाते हैं तो इसको बर्दाश्त कर लेता और सह लेना ये आसान सौदा है, बनिस्बत मरने के बाद पेश आने वाले हालात के। इसलिए हालात का शिकवा मुसलमान को कभी नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल बरख है और समझ में आने वाली भी है कि अगर जिंदगी में कोई हालात या मसाइब का ना आना मुमकिन होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कभी हालात ना आते। मगर अहादीस व सीरत की किताबों से मालूम होता है कि जिस कदर मुश्किलात व मसाइब ने अल्लाह के नबी को घेरा है, इस कदर किसी और नबी को घेरा नहीं, जिसको खुद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया।
आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिस कदर मुझे सताया गया और डराया गया, इतना किसी और को नहीं सताया गया। अब अगर हम मुसलमान होने की वजह से सताए और डराए जा रहे तो इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। नए सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाया कि अगर दुनिया में खुशियों वाली जिंदगी चाहते हो तो दोस्ती, मोहब्बत और यारी हमेशा गरीबों से करो, मालदारों से नहीं। मौलाना ने अपना मोबाइल निकाल कर राब्ते नंबरात बताया कि मेरी भी दोस्ती हमेशा गरीबों से ही रहती है, मैं ज्यादातर इन्हीं से राब्ते में रहता हूँ। इस मौके पर शुक्रिया अदा करते हुए मौलाना इमरान अब्दुल अजीज मौलाना मक्कारमुल इस्लाम साहिबान का, जिनके तौसीस से ये मुलाकात बासानी मुमकिन हुई। अल्लाह पाक अपने हर मोमिन बंदे को इसकी खिदमात को कबूल फरमाए और अपने घर का बार बार दीदार नसीब फरमाए। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी। कांग्रेस पार्टी इक्तदार में आते ही 6 गारंटी वादों को अमल में लाया जाएगा। साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का बयान। एरपल्ली मंडल दुब्बर टांडा गांव में कांग्रेस पार्टी की क्यादत में घर घर कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिका पीसीसी सेक्रेटरी सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खसूसी हिस्सा लेते हुए गांव में घर घर पहुँच कर अवाम से मुलाकात की और बीआरएस की अवाम दुश्मन पड़ोसियों को अवाम से शनासा कर रहे। रियासत में किसानों पर जुल्म, धान गलियों कब्जों के मुतालिक अवाम में बताया। कांग्रेस की जानिब से 6 गारंटी स्कीमों का घर घर जाकर तयखुन दिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम के लिए जिन 6 फलाई स्कीमों का ऐलान किया है, इन पॉलिसियों को स्कीमों को कांग्रेस इख्तदार में आने के 100 दिन में अमल में लाने का तयखुन दिया। रियासती मरकजी हुकूमतें इन 9 सालों में गरीब अवाम के साथ नाइंसाफी, बेघर अफराद को, गरीब अवाम को घरों की तामीर अमल में नहीं लाए। हुकूमतें गरीब अवाम को और गरीब बनाने में कामयाब रही, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। बीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। इस पार्टी को आइंदा इंतखाबात में अवाम सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी इख्तदार में आते ही अवाम को एक नई राहत मिलेगी, जिससे अवाम को माफिया कब्जा खोरों से राहत मिलेगी। इस प्रोग्राम में एससी जिला सदर लिंगम कांति रेड्डी बी श्रीनिवास और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। వాళ్ళందరినీ తొమ్మిదిన పెట్టి ఇక్కడ జాబ్స్ లేవు, ఒక ఇల్లు లేదు, కొత్తగా ఎక్కడ కొత్త వాళ్ళకి పెన్షన్స్ లేవని బాధపడతా ఉన్నారు. ఈ విధంగా ధరలేమో డీజిల్ 60 రూపాయలు ఉన్నది, ఇప్పుడు 90 అయింది. పెట్రోల్ కూడా 70 రూపాయలు ఉన్నది, 100 అయింది. ఈ విధంగా మంచి నూనె ప్రతి దానికి ధరలు పెంచి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు మోడీ సర్కారు కానీ ఈయన కానీ. ఇంకా గ్యాస్ సిలిండరు మంట వేసుకోవటానికి మనం 300-400 ఇస్తుంటాం కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు, దాన్ని మోడీ గారు 300 ఇస్తామన్నారు కేసీ మోడీ గారు, దాన్ని ఇప్పుడు 1200 చేశారు. అంటే ఒక ఇల్లు లేదు, టెక్స్లు పెంచుము, మళ్ళా మనకు అన్ని పెంచేశారు. అయితే ఈ విధంగా ఎక్కడ ఇల్లు లేదు, అదేవిధంగా ఎక్కడ నేను అడుగుతా ఉన్నాను బీఆర్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళకు, ఎక్కడన్నా ఒక స్కూల్ రూమ్ కట్టినా ఆ పిల్లల కొరకు. बड़े पैमाने पर धरना, हुकूमत की जानिब से मसाइल की एक सुई ना किए जाने पर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। आशा वर्कर्स का इंतबाह। रियासत भर में आशा वर्कर्स के मसाइल की एक सुई के लिए एहतजाजी प्रोग्राम का 90 रोज में जारी। हुकूमत की जानिब से आशा वर्कर्स के इस एहतजाजी प्रोग्राम पर अनदेखा किए जाने पर आशा वर्कर्स ने बोधन एमएलए शकील आमिर के घर का घेराव करते हुए सीएटीयू की क्यादत में एहतजाज अमल में लाया। एमएलए शकील आमिर के घर के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर आशा वर्कर्स कायद स्वर्णा लता ने बात करते हुए बताया, आशा वर्कर्स 9 दिनों से मसाइल की एक सुई के लिए धरना किया जा रहा है। रियासती हुकूमत इस धरने को देखा अनदेखा कर रही,
عوام کی صحت کو لے کر دلچسپی سے کام انجام دینے والے آشا ورکرز کے مسائل کی ایک سوئی کرنے میں حکومت کی عدم دلچسپی مانا خیال سے سپریم کورٹ کے مطابق مساوی کام کی مساوی اجرت کے تحت ہمیں بھی سرکاری ملازمین کی طرح مساوی تنخواہ ادا کی جائے ریاستی حکومت اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے آشا ورکرز کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان کی جائز مانگوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر انہوں نے حکومت کو انتباہ دیتے ہوئے بتایا کہ اگر حکومت آشا ورکرز کے مطالبوں کو پورا نہ کیے جانے پر احتجاج میں شدت لائی جائے گی తొమ్మిదో రోజు చాలా చాలా వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సానుకూలంగా సమ్మెలు నిర్వధిక సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది. అయినా బంగారు తెలంగాణలో బతకలేని ఆశా వర్కర్లు అయ్యా కేసీఆర్ గారు బంగారు తెలంగాణ అని అన్నారు. ఆశా వర్కర్స్ రోడ్డు మీద బతకలేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు. మరి మీకు ఈ 9 రోజుల నుంచి ఒక్క రోజైనా ఆశా వర్కర్స్ కనబడలేదా? కరోనా కాలంలో ఏసీలలో నాయకులు ఉన్నా రోడ్డు పైన అర్ధరాత్రి లేకుండా ప్రాణాల సైతం తెగించి కరోనా టైంలో ఆశా వర్కర్లు ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉండి సేవలు అందించారు. ఈరోజు పనిని బట్టి పారితోషికం కాకుండా 18,000 ఫిక్స్డ్ వేతనం మా న్యాయమైన కోరికలు అడుగుతూ ఉంటే కనీసం ఈరోజు ఎక్కడ లేని రాష్ట్రంలో మా తెలంగాణ బంగారు రాష్ట్రంలోనే ఇస్తున్నామని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఇది సరియైన పద్ధతి కాదు, ఇది సిగ్గుచేటు. ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి చూసి ఆశా వర్కర్లకు 18,000 వేతనం ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇస్తేనే ఓకే, లేదు అంటే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేస్తూ ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాను. బిర్పూర్ మండల్ ముస్తఫర్ కే ఏక్ గావ్ మే కుత్తో కి తాదాద్ మే ఇజాఫా. అవామ్ మే కుత్తో కే హమ్లే సే ఖౌఫ్ ముసస్సిల్ హో రహే హాదిసోం సే అవామ్ పరేషాన్. కుత్తో కే హమ్లే సే గావ్ మే హల్చల్, 5 అఫ్రాద్ జఖ్మీ. కామారెడ్డి జిలే కే బిర్పూర్ మండల్ ముస్తఫర్ మే गांव में कुत्ते ने 5 अफराद को जख्मी कर दिया. गांव के एक कुत्ते ने 2 छोटे बच्चों के अलावा दिगर 5 अफराद पर हमला करते हुए शरीर जख्मी कर दिया. इन जख्मियों को बांसवाड़ा निजामाबाद अस्पतालों को इलाज के लिए रवाना कर दिया गया. इस कुत्ते के हमले से गांव में हलचल. गांव वाले घर के बाहर निकलने से डर रहे हैं. ग्राम पंचायत अहदेदारों से गांव वालों ने शिकायत करते हुए कुत्तों को गांव से पकड़कर ले जाने का मुतालबा किया. ఇక్కడే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాము. బీస్కూల్లో తీసుకెళ్తారు కాదు, బాన్స్వాడ అన్నారు. బాన్స్వాడ వెళ్తే నిజామాబాద్ రాసి ఇచ్చారు. ఆడకపోయి రాత్రి చేపించుకొచ్చాం. మొత్తం మొహం అంతా తీసింది. పంచాయతీలు కట్టారు, కుక్కలు పట్టించుకోండి. మా మీద పడుతుంది, బెదించుకొని బెరిగి రావాలంటే భయం వేస్తున్నాయి. అది నా పేరు రాజు పటేల్. బీస్కూల్ మా ఫాదర్ ఆయన, మా ఫాదర్ పేరు ఈశ్వరప్ప. 75 సంవత్సరాలు ఆయనకు. అంత వయసులో ఉన్న ఆయనకే కుక్క వచ్చి మీద పడి కరిచింది. ఇంట్లో నుంచి అప్పుడే వెళ్ళి బయట కూర్చున్నారు. అటునుంచి వెళ్ళే పక్క నుంచి వెళ్ళే కుక్క ఇటు మళ్ళీ ఆయన మీద పడింది. అప్పటికే 4-5 గాయాలు చేసింది, బాగా తీవ్రమైన గాయాలు చేసింది. కరంగానే वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का निजामाबाद दौरा. हल्दी बोर्ड को दीगर तरक्याती कामों का बजरिया रिमोट आवास जलसे आम से किया खिताब. बीआरएस और गठबंधन इंडिया पर तनकीद. वक्त पर इलाज और अधिया ना मिलने से नांदेड़ के सरकारी दवाखाने महज 48 घंटों में 32 अफराद की मौत, सनसनी. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का निजामाबाद दौरा. पुलिस की जानिब से सख्त सियानती इंतजाम. शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस टुकड़ियां तैनात. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर. तो ये थी खबरों की तफसील. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी. अब मुझे दे इजाजत. अल्लाह हाफिज़.